तो आप देख रहे हैं वुमेंस डे पर हमारी ये खास पेशकश, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हमारी इस खास पेशकश में, यानी कि आधी आबादी की अधूरी दुनिया पर चर्चा के लिए हमारे साथ मुंबई से गायिका कविता सेठ जुड़ गई हैं। मशहूर गायिका हैं, फिल्मों में गीत गाती हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका कविता जी। और साथ ही हमारे साथ अहमदाबाद से खंबाटा जी जुड़ी हैं, जो एक एंटरप्रेन्योर हैं और उन्होंने एक ऐसा मोबाइल डिवाइस बनाया है जो कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए कारगर साबित होता है। वहीं नोएडा स्टूडियो से हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ मनीषा जी हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार और नारीवादी लेखिका भी हैं, और साथ ही हमारे साथ इस वक्त जो हैं निर्मला सामंत प्रभावलकर जी हैं, जो कि महिला सदस्य हैं NCW की और साथ ही NPCC की स्पोक्स पर्सन भी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबके स्वागत के साथ मैं यहाँ साफ कर दूँ कि महिला दिवस पर हम ये बात इसीलिए कर रहे हैं, आधी आबादी की अधूरी दुनिया की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज महिला सशक्तिकरण से ज्यादा जरूरी हो गई है महिला सुरक्षा। सशक्तिकरण की लड़ाई हम लंबे वक्त से लड़ते आ रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं अब प्राथमिकता बन गई है नारी सुरक्षा। और शायद इसीलिए हमारी दुनिया अभी अधूरी है, क्योंकि हम कुछ भी अचीव कर लें, कुछ भी उपलब्धि हासिल करें, लेकिन अगर हम सुरक्षित नहीं हैं तो हमारी दुनिया अधूरी ही रहेगी। बिल्कुल। और ऐसे में सबसे पहले प्रभावलकर जी, आपसे मैं यहाँ पर सवाल करना चाहूँगी, आपको क्या लगता है? आप तो NCW की सदस्य भी हैं, कहीं ना कहीं आपके सामने इस तरह के केसेस, इस तरह के मामले लगातार आते रहते हैं। आज महिला दिवस है और आज के दिन आप कैसा फील कर रही हैं, क्या आपको भावनाएं आ रही हैं इसके बारे में? सबसे पहले आज का जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन है, आपके सभी जो व्यूअर्स हैं, दर्शक हैं, उनको हम सभी यहाँ से उनको अभिनंदन देते हैं। और साथ साथ ये एक बड़ा जिम्मेदारी का दिन है। वैसे 365 दिन भी महिलाओं के लिए महिला दिन ही होते हैं और जिम्मेदारी के दिन होते हैं और काफ़ी हालातों के साथ उनको गुजरना पड़ता है। आपने एक बहुत अच्छा विषय यहाँ पे कहा है कि हमने आज़ादी तो पाई है, 50% मोर देन 50% जो आबादी है वो महिलाओं की है, लेकिन जैसे कि अभी हम सबलीकरण की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि आज का जो विषय हो महिलाओं को लेके देश में सामाजिक जो जागरूकता होनी चाहिए उनके सुरक्षा के बारे में, उनके संरक्षण के बारे में, और उनको कैसे अच्छे हालात से वो अपने आप को महसूस करती है, ये बहुत ही अहम विषय है। दिल्ली गैंग रेप जो निर्भया का केस हुआ था 16 दिसंबर तो को, निर्भया का केस है, इस पर हम बहुत विस्तार पूर्वक चर्चा करना चाहेंगे। एक मिनट, पहला ही एक महिला, ये सबसे पहले 8 मार्च आ रहा है, इसलिए ये विषय जो आपने लिया है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और जब आप मुझे आगे सवाल पूछेंगे तो उसके बारे में NCW ने क्या किया है, क्या करते आए हैं और क्या करेंगे इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ज़रूर हमारी तारीफ की है, लेकिन यहाँ हम बहुत ही, क्योंकि एक अहम सवाल उठाने जा रहे हैं। हमारे साथ मनीषा जी जुड़ी हुई हैं। मनीषा जी, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, आज के दिन को हम मनाते हैं महिलाओं की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सफलताएं जो हैं उसके जश्न के रूप में, लेकिन आज जो हालात देश में बने हुए हैं उसे लेकर जब महिला दिवस आता है तो ये रियलिटी चेक ज़्यादा बन जाता है। जी, मैं भी यही कहना चाहती थी कि हम इसे जश्न की तरह ना मनाएं तो ज़्यादा अच्छा है। देखिए, कोई दावा कितना भी करे पर सच्चाई ये है कि औरतों के लिए आज तक कोई काम नहीं हुआ है। हम बार बार एक निर्भया की बात करते हैं, हम उसे बहुत बहादुर बताते हैं, हम बताते हैं वो कैसे लड़ी, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उसे बलिदान देना पड़ा, उसे मर जाना पड़ा। क्या आप आपकी लड़कियों को मरने के बाद बताएंगे कि आप बहुत महान थीं? जो लड़कियां रोज जूझ रही हैं, हर घंटे एक लड़की का कहीं ना कहीं देश में बलात्कार हो रहा है। जब हम इसे जश्न की तरह मना रहे होंगे या हमारे यहाँ लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे होंगे या वो ये बता रहे होंगे कि ये देखिए ये औरतें यहाँ यहाँ पहुँच गईं, वो ये भूल जाते हैं हमारे यहाँ 50 करोड़ के करीब औरतें हैं। 50 करोड़ में अगर 5 औरतें कहीं पहुँच गईं वो कोई बहादुरी की बात नहीं है, और वो उनकी अपनी निजी व्यक्तिगत सफलता है। ये सफलता ना सोसाइटी की सफलता है, ये सफलता ना ही आपने दी है, यानी ना सरकार ने दी है, ना व्यवस्था ने दी है, ना किसी आंदोलन ने दी है, ये उनकी अपनी सफलता है। इसलिए हम जब तक उस औरत को सुरक्षा नहीं दे देते हैं जो सड़क पर निकल रही है, जो काम करने जा रही है, जो मजदूरी कर रही है, जिसको नहीं पता कि आज महिला दिवस है और सारी दुनिया में इस पर कोई जश्न मनाया जाता है या खुशी मनाई जाती है या एक दिन मनाया जाता है, उन औरतों को हमें उनके अधिकारों के बारे में बताना होगा।
अभी भी आपको पता होगा हमारी आधी औरतें शिक्षित हुई हैं। शिक्षित हुई है का मतलब सिर्फ अक्षर ज्ञान हुआ है, अधिकारों की बात हम छोड़ दें कि उन्हें पता है। अभी भी सड़क पर निकल जाइए, औरतों को कुछ नहीं पता है। हम उन्हें ये बताएं, जैसे हम उन्हें ये बता रहे हैं कि वोट देने की जरूरत है, बिल्कुल उसी तरह से हम ये बताएं कि आप अपनी सुरक्षा की मांग कर सकते हैं, क्योंकि आप इस देश के नागरिक हैं, इसलिए आपके पास कुछ अधिकार हैं। बिल्कुल, तो अधिकारों की जानकारी ही नहीं है, जागरूकता नहीं है, इसकी बहुत कमी है। आगे यहाँ से सीधा रुख करेंगे मुंबई का। मुंबई में हमारे साथ कविता सेठ हैं, बहुत ही मशहूर सिंगर हैं। कविता जी, आपको एक वुमेन अचीवर के रूप में लोग देखते हैं, बाकी की महिलाएं देखती हैं। आज महिला दिवस के मौके पर जिस तरह के देश के हालात हैं, आप क्या महसूस करती हैं? खास तौर से जैसे अभी दो स्पीकर्स ने बोला कि इट्स नॉट सेफ, और हमको ये जो सेलिब्रेशन हम कर रहे हैं वुमेन डे के लिए, वो ज़रूरत नहीं है। रोज़ वुमेन डे है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोगों को जो सेफ्टी वाली चीज़ है वो हमें खुद अपने आप से सीखनी पड़ेगी। किसी के ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है, अपनी सेफ्टी हमें खुद करनी पड़ेगी। ना हम सरकार को जिम्मेवार कह सकते हैं, ना सोसाइटी को, खुद कहेंगे खुद करेंगे, उसी तरीके से हम अपनी सेफ्टी कर सकते हैं और समाज में आगे बढ़ सकते हैं। दिस इज़ द ओनली वे आई फील राइट नाउ। बिल्कुल, उद्यमी रुजन खंबाटा हमारे साथ हैं, जो कि अहमदाबाद स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। खंबाटी जी, आपने आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा दिल से ये महसूस हुआ है कि कहीं ना कहीं महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित नहीं है देश में, शायद इसीलिए उन्होंने आपने एक ऐसा मोबाइल डिवाइस बनाया है जिससे महिला की सुरक्षा थोड़ी और ज़्यादा बढ़ सके? जी, उसमें मुझे ये कहना है, जो आई वुड लाइक टू कंटिन्यू विद व्हाट द अदर्स हैव सेड। सबसे पहले आई एम प्राउड टू बी अ वुमन, उसमें कोई डाउट नहीं है, एंड मैं शायद भगवान को प्रे करूंगी कि मुझे हर जन्म में वुमन ही बनाए। अब जो अपने ये जो बात कर रहे हैं, मैं इससे ये सहमत कर रही हूँ कि बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। इफ़ आई ब्रेक द होल सोसाइटी इंटू वुमेन सोसाइटी इंटू थ्री स्टेटस, वन लोअर क्लास, सेकंड मिडिल क्लास एंड थर्ड हायर मिडिल क्लास, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम अभी जो हो रही है वो मिडिल क्लास को हो रही है, क्योंकि वो लोग लेटर से जो वो बसेस में ट्रेवल करती है या जिस तरह वो अकेले रास्ते पे जाती है और लोग उनको छेड़ते हैं, और बिकॉज द लॉ इज इन प्लेस बट द सिस्टम्स आर नॉट इन प्लेस इन टर्म्स ऑफ कि उनका कन्विक्शन नहीं होता है, केस ही दर्ज नहीं होता है, इसके कारण महिला बहुत अपने आप को असुरक्षित फील करती है। और इसकी के कारण जो परपेट्रेटर्स होते हैं उनको फायदा होता है कि दे मिस यूज द होल थिंग। सो ये असुरक्षा का कारण ये है, जैसे कविता जी ने बताया, बहुत सही बताया, जो मैं भी मानती हूँ कि हिम्मत है मर्दे तो मदद है खुदा, एंड गॉड हेल्प्स दोज़ हू हेल्प देमसेल्फ। इसलिए मेरा भी यही मानना है कि हर महिला को अपनी सुरक्षा के लिए खुद ही आगे आना पड़ेगा। एंड एक पॉजिटिव चीज मैंने जो दिखी है कि थैंक्स टू ऑल दिस केसेस एंड जो मीडिया इसको फ्लेयर अप करती है, तो पॉजिटिविटी ये देखिए कि हाँ, सोसाइटी में जागरूकता हुई है, फैमिली में जागरूकता हुई है, एटलीस्ट ये मैंने पॉजिटिव देखा है। द सोसाइटी इज ट्राइंग टू नाउ, पहले जो देखा जाता था कि अगर किसी उसका रेप होता था लेडी का तो उसको दोषित मानते थे, अब वो चेंज हो रहा है, नाउ वो जो गुनहगार है उसको दोषित मानते हैं एंड लेडी को रिहैबिलिटेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। कमिंग बैक टू योर बेसिक क्वेश्चन, कि जो आपने ये मोबाइल का डिवाइस का जो वो बनाया है, उसमें मुझे ये कहना है कि यस, वी कैन यूज टेक्नोलॉजी। हम क्यों भूल जाते हैं कि टेक्नोलॉजी हम इज एट आवर डिस्पोजल, और जिससे हम कई लोगों की जान बचा सकते हैं, और इसलिए ये हमने डिवाइस बनाया है जिसके कारण आपको कुछ भी बोलने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बटन दबाने से आपका लोकेशन भी जाना जाएगा और आपको हेल्प तुरंत मिल सकती है। बेशक, और इस तरह का डिवाइस अगर हर नारी हर महिला उपयोग में लाती है तो जाहिर तौर पर बहुत बड़ी मदद के तौर पर ये सामने आएगा, उभरेगा, और इसके लिए हर नारी हर स्त्री आपको धन्यवाद देगी। महिला दिवस के मौके पर ये चार खास मेहमान हमारे साथ जुड़े रहेंगे इस चर्चा में, और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज महिला दिवस को रियलिटी चेक के रूप में हम कैसे मना सकते हैं, और यहाँ से कदम आगे बढ़ाने के लिए हमें कितनी और मेहनत करनी होगी। इसी के साथ हैं उद्यमी, आप बताइए, बराबरी के दर्जे की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ये बात निकल कर आ रही है कि सामाजिक सोच और बराबरी का दर्जा, ये दो बहुत अहम प्रश्न हैं जो अभी तक अब ज्यों के त्यों खड़े हुए हैं और इनका समाधान निकलकर सामने नहीं आता, आपको क्या लगता है? हमारे कॉर्पोरेट जगत की आप बात करें तो कॉर्पोरेट जगत में भी ये प्रॉब्लम होता है कि यू नो एट हायर पोजीशंस देयर आर लेस लेडीज, एंड अगर हायर पोजीशन पे लेडीज पहुंच भी जाती है तो जो थोड़ी ये सामाजिक सोच है जो हम बात कर रहे हैं उसमें क्या हुआ, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ जो केस स्टडी है। क्या एक लड़की ये बोर्ड में बैठ के वो लोग प्रोडक्ट की डिजाइन डिस्कस कर रहे थे, प्रोडक्ट की पैकेजिंग की, तो वो लेडी ने रेड कलर की साड़ी पहनी थी, तो कुछ ऐसा हुआ कि वो लेडी ने बोला कि मुझे एक प्रोडक्ट दीजिए, पैकेजिंग में रेड कलर थोड़ा ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए,
तो तुरंत किसी जेंट्स मेंबर ने बोला कि हाँ आपको रेड कलर पसंद है, आप लाल कलर की साड़ी पहनती हो इसलिए आपको रेड कलर चाहिए. यू नो सो दिस इज द मेंटालिटी विच रिफ्लेक्ट्स कि ये क्या इस तरह की बोर्ड की मीटिंग में ऐसी बातें होती है. सो जो हकीकत है कि दिस इज वाई पीपल आर नॉट बींग, अगर आप सर्वेज देखोगे तो जो बोर्ड में है पीपल लेडीज उसमें So, इस तरह सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्कप्लेस की अपने बात कर ले तो ये भी एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है जो उभरती आ रही है और इसमें बहुत जरूरी है कि अभी तक उसका जो इट इज लॉ नहीं बना है, खाली कोई जजमेंट है विशाखा जजमेंट जिसपे हम बात कर रहे हैं लेकिन अभी कोई ऐसा लॉ नहीं है कि विच कैन स्टॉप सेक्सुअल हैरेसमेंट. सो अगर हम कॉर्पोरेट्स की बात करेंगे तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच शुड बी. अहमदाबाद का रुख करेंगे, अहमदाबाद में हमारे साथ इस वक्त रुजान खंबाटा जी हैं. बताइए आपको क्या लगता है कि तीन ऐसे कार्य क्षेत्र कौन से हैं जिसमें महिलाएं हमेशा बेस्ट साबित हुई हैं? जो एंटरप्रेन्योरशिप की बात की वो बिल्कुल सही है क्योंकि मैंने देखा है हमारे गुजरात में भी बहुत सारी महिला छोटे छोटे फूड प्रोडक्ट्स के काम, हैंडीक्राफ्ट के काम, उसमें बहुत आगे आई है एंड दे आर डूइंग वेरी वेल. सो ऑब्वियसली एंटरप्रेन्योरशिप. सेकंड नर्सिंग सेक्टर में, इस सेक्टर पे महिला ने जिस तरह अपना लागनी प्यार संवेदना से नर्सिंग सेक्टर में काम किया है और जो सबसे इंपॉर्टेंट है डॉक्टर से ज्यादा इंपॉर्टेंट नर्सर है उसमें बहुत उदय कम अप. एंड थर्डली राइटली सेड बैंकिंग सेक्टर कि इतनी अच्छी महिला इतना अच्छा दे आर इन दैट लेवल. सो बैंकिंग सेक्टर जी, बैंकिंग सेक्टर. चलिए अब कविता जी आपकी बारी है, आगे से हम किस तरह आगे बढ़ेंगे, ये प्लान हमारा होगा और हम बिल्कुल सुरक्षित महसूस करें उसके लिए सरकार कोशिश करेगी और अपने अधिकारों की मांग हम कभी करना नहीं भूलेंगे, ये वादा हमें अपने आप से करना होगा. और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हम करना चाहेंगे, लेकिन मुंबई में क्योंकि कविता आप हमारे साथ हैं हम चाहेंगे एक और नगमा आप हमें सुना दें जाते जाते अपनी आवाज. जी तुम ही हो बंधु लेटेस्ट सॉन्ग जो यारा तेरे सदके इश्क सिखा, मैं तो आई जग तज के इश्क सिखा, जब यार करे परवाह मेरी मुझे क्या परवाह, दुनिया की जग मुझ पे लगाए पाबंदी, मैं हूँ ही नहीं इस दुनिया की, तुम्ही दिन चढ़े तुम्ही दिन ढले, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही, तुम्ही दिन चढ़े तुम्ही दिन ढले, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही.